NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Behta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कल बहुत गुस्से में थी। हमने आपको खबर दिखाया था, बताया था। राबड़ी देवी बिल्कुल ताबड़तोड़ ट्वीट किया था उन्होंने। चमकी बुखार को लेकर नाराजगी थी उनकी सरकार से। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर थी, निशाना साधा था और बिल्कुल आक्रामक तरीके से हमला कर रही थी। नीतीश कुमार को बहुत सारी बातें उन्होंने सुना दी थी इंतजामों को लेकर, और जो बद इंतजामी है, जो व्यवस्था है चमकी बुखार से निपटने के, जो सरकारी इंतजाम है उसको लेकर राबड़ी देवी का गुस्सा था, हमलावर थी। लेकिन हमले की हड़बड़ी में राबड़ी देवी से गलती हो गई। राबड़ी देवी ने मौत के आंकड़ों को लेकर एक गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से अब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल राबड़ी देवी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए थे और अपने ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन ट्वीट्स में से एक ट्वीट ये भी था, राबड़ी देवी ने लिखा था अपने ट्वीट में कि एनडीए सरकार की घोर लापरवाही, कुव्यवस्था, सीएम की महामारी को लेकर अनुत्तरदायी, असंवेदनशील और अमानवीय अप्रोच, लचर व भ्रष्ट व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं भ्रष्ट आचरण के कारण गरीबों के 100 से ज़्यादा मासूम बच्चों की चमकी बुखार के बहाने, माफ़ कीजिएगा, 1000 से ज़्यादा मासूम बच्चों की चमकी बुखार के बहाने हत्या की गई है। दरअसल आंकड़ों पर गौर कीजिए जो राबड़ी देवी ने लिखा। राबड़ी देवी ने लिखा कि 1000 बच्चों की बुखार के बहाने हत्या की गई है। दरअसल यही वो आंकड़ा है, यही वो ट्वीट है जिसे राबड़ी देवी की गलती कही जा रही है। आंकड़ों में गड़बड़ी कर दी राबड़ी देवी ने और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर हमलावर हैं। राबड़ी देवी ने 1000 लिखा है, आपको फिर बता देते हैं, 1000 मौतों का आंकड़ा हमारे पास भी नहीं है। मुजफ्फरपुर के SKMCN से जो आंकड़ा सामने आया है चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों का, वो 132 है हमारे पास, जो जानकारी सामने आ रही है। जाहिर है राबड़ी देवी ने लिखा कि 1000 बच्चे मरे हैं, हालांकि ये नहीं बताया कि ये आंकड़े कहां से उपलब्ध हुए हैं और इन आंकड़ों का आधार क्या है। जाहिर है राबड़ी देवी निशाना साध रही थी। अब डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधते हुए लिखा है कि राजद के लोगों को हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान अमर्यादित टिप्पणी और तथ्यहीन आरोप लगाने के कारण जनता ने 0 पर आउट किया, लेकिन मात्र 22 दिन बाद मौका मिलते ही उनकी पुरानी बोली फूटने लगी। उनके शासनकाल में मेडिकल कॉलेजों की क्या दशा थी, राबड़ी देवी को बताना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री से लोग जानना चाहेंगे कि हाल में चमकी बुखार से 1000 बच्चों के मौत के आंकड़े का आधार क्या है, क्या मौत के मनगढ़ंत आंकड़े पेश करना किसी जिम्मेवार व्यक्ति का काम है। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी निशाना साध रहे हैं उस आंकड़े को लेकर जो राबड़ी देवी ने ट्वीट किया था। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी राबड़ी देवी से यह पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि 1000 बच्चों की मौत हुई है, उस आंकड़े का आधार क्या है, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यह शोभा देता है कि वो मनगढ़ंत आंकड़े पेश करे ऐसी बीमारी से होने वाले मौतों पर। तो हमला हो गया है, हम अटैक कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, और राबड़ी देवी अपने एक गलती की वजह से हमले की जद में आ गई हैं अपने राजनीतिक दुश्मनों के। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।